हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में स्केचअप लर्निंग का ये हमारा छठवां वीडियो है। आज के वीडियो में हम मूव टूल से कॉपी करना, मल्टीपल कॉपी करना और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बीच में उस ऑब्जेक्ट को या उस डिस्टेंस को डिवाइड करना सीखेंगे सिर्फ मूव टूल से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियो बनते हैं आप प्लीज उन्हें लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर की स्किल एजुकेशन प्रमोट हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो एक ये बना है। मैंने क्या किया है, ये मेरे दो पिलर के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस था, मुझे उसको बराबर हिस्सों में बांटना था, या इस तरीके से बोलूं कि मुझे इस वाले पिलर को एक एक फिट के डिस्टेंस में करना था मेरे 3 मीटर तक। ठीक है, तो मेरी कितनी कॉपी हुई, 11 कॉपी हुई है इस एक पिलर की। इनके बीच कितना कितने का गैप है, 0.3 mm, है ना, 0.3 मीटर या 300 mm। इसी तरीके से जो आप पीछे देख रहे हो ये जो बने हैं ये भी वही चीज है सेम। तो हम ये कॉपी करना और मल्टीपल कॉपी बनाना सीखेंगे। एक पहले हम क्या करते हैं, कॉलम बना ले। तीन का तरीके से हम ये दोनों डिजाइन बना सकते हैं। पहले फर्स्ट देखेंगे, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट देखते हैं, पहले मैं एक ये पीस बना लेता हूं 0.1 by 0.1 का, 100 by 100 mm का, 2 मीटर हाइट कर देता हूं इसकी। इसका ग्रुप बना लेते हैं हम। अब पहला तरीका क्या है, मुझे इसकी कॉपी बनाना है। तो मैं इसको ऐसे सेंटर से सेलेक्ट करूंगा, ऐसे कॉपी ले जाऊंगा। कॉपी आपको करते बनता है, कंट्रोल दबा के मूव करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, 0.3 लिखेंगे, इंटर कर देंगे। फिर इधर से हम एक उठाएंगे, 0.3 लिखेंगे, कॉपी कर देंगे। तो ये एक दो पीस के लिए तो आसान है, लेकिन अगर मैं इतने सारे पीस ऐसे एक एक करके बनाऊंगा तो मेरा टाइम भी खराब होगा, है ना, स्पीड भी कम होगी मेरी। ये है, आप कहोगे नहीं सर हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक साथ ऐसे ग्रुप बना लेंगे। यहां से हम इसको उठाएंगे और 0.9 लिख के एंटर कर देंगे। तो सर ये देखो आप, इसकी एक साथ 6 हो गई। लेकिन वही है कि समय तो लग रहा ना आपका। अब आप फिर इस 6 को एक साथ सेलेक्ट करोगे, फिर बनाओगे 11, फिर उसमें से एक डिलीट करोगे, तब आपके 11 पिलर होंगे, है कि नहीं। तो एक तरीका ये है कि हम कॉपी करके कॉपी कर लें, फिर इधर से इसको उठा लें, फिर एक बार कॉपी बना लें उसकी। पहला हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है, जिसे हम मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम। ये हमारा ग्रुप बना है, सेंटर से हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, ये प्लस का निशान आ गया, डबल क्लिक करके खींचेंगे, डिस्टेंस में 0.3 लिखेंगे, इंटर कर देंगे। अब हम शिफ्ट दबा के जो मेरे नंबर्स दिए हैं कीबोर्ड में उसमें शिफ्ट दबा के आप डिस्टेंस में देखो, ये स्टार का निशान आना चाहिए। ठीक है, स्टार आया। कितनी कॉपी चाहिए मुझे, एक मेरे पास बना हुआ है, 10 और चाहिए। मैंने 10 लिख के इंटर कर दिया, ये आप देखो मेरा एक साथ 10 बन गए। एक बार फिर से देखेंगे, या तो मैं एक एक पीस को कॉपी करूं इंडिविजुअल, या मैं ऐसे इसको एक साथ उठाऊं और इसको ऐसे करके 3.3 इंटर, ये हो गया। अब इसकी मल्टीपल करना है मुझे, तो क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबा के स्टार बनाया, 10 सेट बनाना है, 10 लिख के इंटर कर दिया, ये आप देखो मेरे 10 सेट बन गए। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, एक एक पीस ये बनाना पड़ता, अब ये मेरे 10 सेट हो गए, आप देखो। ठीक है, तो ये होता है मेरा मल्टीपल, है ना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीपल कॉपी जब हमें बनाना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जितनी डिस्टेंस पे करना है, मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक, जैसे इसे हम देखें, अगर ये मेरे बने हैं, ये 4 सेट है मेरे, 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरा 1 सेट है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, इसकी जितनी डिस्टेंस पे 1 मीटर पे रखना है, इंटर कर दूंगा,
चार दबाऊंगा, मुझे पांच सेट करना है, तो एक मेरे पास पहले से है, चार और कर लूंगा मैं, तो ये मेरे पांच सेट हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने उसको मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है, एक एक पीस को मैं इंडिविजुअल उठाऊं या ग्रुप बना के उसको कॉपी मारूं, या उससे अच्छा है कि मैं टोटल जितने डिस्टेंस पे रखना है एक पीस, उसके बाद मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, जितने पीसेस मुझे चाहिए उससे इनटू करके, ठीक है ना। दो तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है मेरा, तीसरे तरीके में मुझे डिस्टेंस पता अगर है तो मैं कर सकता हूं, ये और बेस्ट है। इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना, क्या कैलकुलेशन नहीं करना, देखिए मैं अपन इस वाले में आप देखो, मुझे पिलर बनाना थे, 3 मीटर डिस्टेंस पे रखना था किसे, इस पिलर को और इस पिलर को, ठीक है। तो अब 3 मीटर डिस्टेंस पे रखना था, तो फिर मैं सोचूंगा कि मैंने एक एक फिट के कितने दूं, या 9 पीस लगाना है या 10 पीस लगाना है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई कर, जैसे हम सोलर का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो मेरी पर्लिन होती है कितनी, 5 मीटर की या 6 मीटर की, फिर मैं सोचता हूँ इसमें मैं कितने राप्टर देना चाहिए ताकि मेरी पर्लिन सैगिंग ना करे, तो फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2.5 मीटर देना सही है या 3 मीटर देना सही है। जब वो आपको एक बार पता चल जाता है तब आप उतनी कॉपी करते हैं ना। जैसे मैं एक लाइन खींचू अगर 7 मीटर की, माना ये मेरी परलेन है, ठीक है, परलेन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 500 500, माना मैंने ये 500 हो गया मेरा, ठीक है, ये मैंने 1 2 मीटर का राफ्टर इधर कर दिया, एक इधर छोड़ दिया मैंने 500 का, एक रफली बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने इधर छोड़ दिया, ये भी मैंने 1 मीटर का करके, ठीक, दो तो हो गए। अब मेरे 7 मीटर में मैंने 500 छोड़ दिया दोनों तरफ, तो ये मेरा कितना हो गया अंदर, 6 मीटर बचा। अब मैं सोचूं कि इसमें मुझे कितने राप्टर दूं ताकि मेरी पर्लिन है वो दबे ना मेरे मॉड्यूल के वेट से, तो अब मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा, पहले मैं 2 मीटर रख के देखूंगा, तो दो दो के दूंगा तो कितने हो जाएंगे, मुझे 2 लेग और बीच में देना पड़ेंगे ना, एक इधर और एक इधर, तो वो क्या करेगा, इसको 3 हिस्से में बांट देगा, तो मेरा कितने कितने का गैप आ गया, दो दो दो, ठीक है। फिर मैं कहूंगा अरे यार लेग ज्यादा हो रहा है, 2.5 का करके देखो, 3 का करके देखो, तो ऐसा करके मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले इधर हो सकता है 2 मीटर पे एक लगा दूं ऐसा, फिर एक इधर लगा दूं मैं ऐसा, फिर एक इधर लगा दूं, तो मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने हिस्से में प्रॉपर मेरी पर्लिन आ रहा है, 2.5 मीटर में है कि 2.25 मीटर में है। अगर वो आप निकालोगे फिर आप जितने पे निकला है आप फिर उतना मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अभी हमने सीखा है, ये मेरी 7 मीटर की जैसे है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक 500 की यहाँ खींच दूंगा, ये एक 500 यहाँ खींच दूंगा, अब पता अंदर मेरा अगर ये 6 मीटर बचा है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लूंगा लाइन को, लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, ये मेरा राफ्टर मान लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ 2 मीटर लिखूंगा, एंटर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, कितने पीस करना है मुझे इसके, 3, एक मेरे पास है, 2 और करना है, 2 लिख के एंटर कर दूंगा, ये मेरे हो गए 2 2 2, 6 मीटर, 0.5 इधर 0.5 इधर, ये मेरी 60 मीटर, 60 मीटर की पर्लिन ये हो गई मेरी, 3 यहाँ मैं 4 राफ्टर लगा दूंगा तो ये मेरी दबेगी नहीं बीच में, तो ये मल्टीप्लाई करना हो गया, ठीक, एक तरीका। अब दूसरा तरीका और भी ज्यादा सिंपल, जब मैं चाहता हूं कि मैं कैलकुलेशन ना करना चाहूं तो कैसे करूंगा मैं इसे, बहुत सिंपल है, ये फिर से मैंने 7 मीटर की लाइन खींची, मुझे पता है 0.5 0.5 छोड़ना है, तो मैं इधर ये 0.5 छोड़ दूंगा, ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, अब 7 मीटर मेरी टोटल लंबाई थी, ठीक है, थोड़ा सा 7 मीटर टोटल लंबाई, 0.5 0.5 हमने दोनों तरफ छोड़ा, तो मेरी
पहले और लास्ट राफ्टर के बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये मैं कॉपी करूंगा, पहले और लास्ट के बीच मेरी हो जाएगी 6 मीटर। इंटर, ये मेरा 6 मीटर पर चला गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। डिवाइड का सिंबल आप देखो डिस्टेंस में आ गया। कितने हिस्से करना चाहता हूं मैं इसके, तीन, ठीक है, या दो, ये मैं देख लूंगा, मैं दो करके देखूंगा। इसमें मुझे लग रहा है कि 6 मीटर मेरे दो हिस्से में बटा तो 3 मीटर आएगी। हो सकती है मेरी पर्लिन की जो थिकनेस है वो पतली हो तो वो बीच में दब सकती है, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, फिर से डिवाइड का निशान बना के 3 करके एंटर कर दूंगा। ये आप देखो, ये मेरा इक्वल 3 भागों में डिवाइड हो गई लाइन। तो ये होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब इसी को मैं इस पिलर पे करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा कॉलम है सपोज, मैं इसको कॉपी करूंगा 3 मीटर पे, ठीक करूंगा 3 मीटर पे डिवाइड करूंगा। कितने पीस करना है मुझे इसके, 10 पीस करना है। एंटर, ये मेरे 10 हो गए, देखो, सबके बीच में मेरा इक्वल गैप आएगा 0.3 0.3 का। तो ये मैंने कॉपी की किस तरीके से की, डिवाइड करके की। जो मेरे पास डिस्टेंस थी, टोटल लेंथ थी, उसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया बराबर हिस्सों में। फिर से आप देखो इसे, सपोज दो पिलर के बीच की दूरी मेरी कितनी है, 10 मीटर है। अब मैं उसे डिवाइड करना चाहता हूं कि वो कितने से हो जाए, 15 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो मैं 15 लिख के एंटर कर दूंगा। ये मेरे 10 मीटर की डिस्टेंस 15 बराबर हिस्सों में बट गई है। तो ये आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो हमने क्या क्या सीखा, सिंगल पीस भी कॉपी करना सीखा, जो कॉपी किया है उसको मल्टीपल कितनी कॉपी की जा सकती है वो एक एक ही बार में मल्टीपल कॉपीज करना भी सीखा, और टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस दी है उसको डिवाइड कितने उसमें करना है वो भी हमने सीखा। तो आप 3 तरीके से कुछ भी कॉपी कर सकते हो, तीन तरीके से आप कॉपी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप देख सकते हो। आप इसे ट्राई करिए, यदि कोई इश्यू आता है आपको कि सर कॉपी नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी इसमें हैबिट बनेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके हाथ भी स्पीड में चलेंगे। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।